सब्सक्राइब कीजिए एक्यू टेक हिंदी चैनल को और दबाइए इस बेल बटन को टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, आप जो है कोई भी स्मार्ट टीवी में पिक्चर इमेज या आपके फेवरेट इमेज वॉलपेपर कैसे स्क्रीन सेवर सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इस स्टेप को फॉलो कीजिए। सबसे पहले आपको तो यहाँ पर कुछ वॉलपेपर्स, इमेजेस, फोटोज जो है मैं अपनी स्मार्ट टीवी में ऐड किया हूँ। तो अभी यहाँ पर आपको फाइल एक्सप्लोरर में जाकर बताऊंगा। तो आप जो है सबसे पहले स्मार्ट टीवी में फाइल एक्सप्लोरर ओपन कीजिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पर वॉलपेपर नेम से एक फोल्डर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर चार इमेज आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर बैक आते हैं, ये चार इमेज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। होम स्क्रीन पर आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है। उसके बाद आपको प्ले स्टोर के सर्च बार में आपको टाइप करना है यहाँ पर फोटो गैलरी ऐप। तो यहाँ पर इसको सर्च बार में टाइप कर लेते हैं। ओके, तो आप यहां पर देख सकते हैं फोटो गैलरी ऐप यहां पर शो हो गया है। तो आप जो है फर्स्ट वाला जो ऐप दिख रहा है आपको, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये ओपन हो जाएगा और ये ऐप जो है कुछ इस तरीके से आपको शो हो जाएगा यहां पर फोटो गैलरी एंड स्क्रीन सेवर। तो आपको इस एप्लीकेशन को आपके स्मार्ट टीवी में इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये डाउनलोडिंग जो है यहाँ पर स्टार्ट हो गई है और ये डाउनलोडिंग कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए। आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कितनी देर में जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं डाउनलोड कंप्लीट होने तक। प्रोसेस फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ओके, तो जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं ये एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गया है। आपको यहां पर से एप्लीकेशन को ओपन नहीं करना है, आपके स्मार्ट टीवी के होम स्क्रीन पर आना है। यहां पर फेवरेट ऐप्स में आपको यहां पर प्लस के ऊपर क्लिक कर इस एप्लीकेशन को आपको ऐड करना है। यहां पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन नेम फोटो गैलरी एंड स्क्रीन सेवर ऐड हो गया है। उसके बाद आपको इसको क्लिक कर ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं रिसेंट एल्बम, यहाँ पर मेरे पास जो वॉलपेपर्स थे वो यहाँ पर गैलरी में शो नहीं हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पर एक सेटिंग को ऑन करना है, उसके बाद आपके पास यहाँ पर गैलरी में इमेज शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर इस एप्लीकेशन की सेटिंग में आना है। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद फोटो सोर्स में आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर और थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकल यहाँ पर ऑप्शन है, बीटा, लोकल बीटा। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर, फिर अलाउ के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको आपको ऑन कर देना है। अगर आप इसको ऑन नहीं करेंगे तो आपके पास गैलरी में इमेज शो नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैनेज कंटेंट पर क्लिक कर देना है, शो एल्बम पर क्लिक कर देना है, यहाँ पर स्क्रीन सेवर और गैलरी इन दोनों में आपको चेक कर देना है। अगर यहाँ पर ये अनचेक है तो आपके पास इमेज जो है शो नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर मैनेज स्क्रीन सेवर एल्बम पर क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास जितने भी सारे इमेज थे यहाँ पर शो हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास पिक्चर डाउनलोड में जो भी इमेज थे वो शो हो रहे हैं। तो अगर आपको इसको हाइड करना है तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए। तो अभी यहाँ पर मैं इसको जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद ये पिक्चर फोल्डर हाइड हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। डाउनलोड फोल्डर को भी हाइड कर लेते हैं। यहाँ पर वॉलपेपर का एक ही फोल्डर आपको शो हो रहा है। फिर यहाँ पर मैनेज गैलरी एल्बम पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इसको भी यहाँ से हाइड कर देना है, सेलेक्ट कीजिए, हाइड हो जाएंगे। फिर आपको जो है बैक आना है। बैक आने के बाद आपको होम स्क्रीन पर आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस एप्लीकेशन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको वॉलपेपर का जो फोल्डर था यहाँ पर ये शो हो गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आपको स्मार्ट टीवी के होम स्क्रीन पर आना है। फिर आपको यहाँ पर स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आना है। यहाँ पर सेटिंग आइकन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है यहाँ पर डिवाइस प्रेफरेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फिर स्क्रॉल करना है, यहाँ पर स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है, आपको उसको सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद फिर से स्क्रीन सेवर पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर फोटो गैलरी एंड स्क्रीन सेवर इस वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग चेंज नहीं करना है, आपको बैक आना है।
बैक आने के बाद आपको यहाँ पर वेन टू स्टार्ट यहाँ पर 5 मिनट रख लेते हैं। 5 मिनट के बाद आपके पास स्क्रीन सेवर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप 5 मिनट ही रख लिए, आप अपने हिसाब से टाइम भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट ही रख लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं अभी आपको एग्जाम्पल बताने के लिए स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास स्क्रीन सेवर स्टार्ट हो गए हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी यहाँ पर बहुत सारे स्क्रीन्स, अभी यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा वेट कीजिए। तो गाइस बहुत सिंपल है, आप इस तरीके से इजीली आपके स्मार्ट टीवी में, कोई भी स्मार्ट टीवी में स्क्रीन सेवर जो है सेव कर सकते हैं। आपके कोई भी फेवरेट इमेज वॉलपेपर जो है आप स्क्रीन सेवर में यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसको रिमूव करना है तो आप जो है फिर से स्मार्ट टीवी की सेटिंग में आइए। यहाँ पर सेटिंग में आने के बाद डिवाइस प्रिफरेंस में आना है। फिर आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन सेवर का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर स्क्रीन सेवर पर क्लिक कीजिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप जो है कुछ भी ऑप्शन जो है सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर से। तो मैं यहाँ पर इसको MI वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्क्रीन सेवर यहाँ पर चेंज हो गया है। तो अभी यहाँ पर आपको स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर बताता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आप ये रिमूव हो गया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को रिमूव करना है तो आपको टीवी के होम स्क्रीन पर आना है, यहाँ पर एप्स वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पर इस एप्लीकेशन के ऊपर आप ओके बटन होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद यहाँ पर लास्ट में अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पर इस पर क्लिक कर इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं आपके पास स्क्रीन सेवर में से जो है। तो इस तरीके से आप इजीली स्क्रीन सेवर यूज कर सकते हैं स्मार्ट टीवी में। उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आ गया हो, तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।